हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कुक एंड क्राफ्ट विद तनुजा में। फ्रेंड्स, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक किसे पसंद नहीं होता। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देसी कोल्ड ड्रिंक। जी हाँ, हम बनाएंगे आज कच्चे केरी का पना, जिसे आपके घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इसे बहुत पसंद करेंगे। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले 3 कच्ची केरियाँ। इन केरियों को मैंने अच्छे से वॉश करके एक प्रेशर कुकर में रखा है और 1 गिलास पानी डालते हुए 2 व्हिसल आने तक बॉईल करना है। फ्रेंड्स, ये ड्रिंक गर्मी में बहुत फ़ायदेमंद है, स्पेशली लू लगने पर इसका सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। ठंडा करने के बाद इन केरियों को हमें साफ़ करना है, जिसके लिए हम एक स्पून लेंगे और स्पून की सहायता से इसका पल्प अलग करेंगे और इसके छिलकों को अलग करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी है, मैं चाहती हूँ आप इसे बना के देखें और आपको 100% ये बहुत पसंद आएगा। इसका पल्प निकाल कर हमें एक ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। उसके लिए हमें इसे सारा पल्प एक ग्राइंडर में डालेंगे और साथ ही इसमें हमें पुदीने की कुछ ताज़ी पत्तियाँ डालेंगे। आपके पास अगर ताज़ी पत्तियाँ ना हो तो पुदीने का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। एक फाइन पेस्ट बनाने तक हमें इसे ग्राइंड करना है और इस पेस्ट को हमें एक बर्तन में निकाल लेना है। इसमें हमें सबसे पहले एक ठंडा पानी ऐड करना है, जो कि 1 लीटर होना चाहिए। इसमें हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/2 चम्मच नॉर्मल सॉल्ट लेना है और 1 बाउल हमें पिसी हुई शक्कर लेनी है। इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है। इस जगह पे आप अपने हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। हमें इतना मिक्स करना है कि शक्कर पूरी तरह से घुल जाए। दीजिए फ्रेंड्स, आपका कोल्ड ड्रिंक तैयार है। अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय कीजिए और मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।